और बड़ी खबर मृदुभाषी पर गुना से, जहां जिले में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मधुसूदनगढ़, राधोगढ़ और चाचोड़ा तहसीलों में ओलावृष्टि हुई। सावतखेड़ी में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से चने की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। एक बीघा चने की फसल की लागत 15,000 से 20,000 रुपए है और अब फिर से गुना जिले के अन्नदाता संकट में है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। जिले में अब भी रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मोहम्मदपुर में ग्रामीणों ने ओले बोरी में एकत्रित किए हैं। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर गुना से, जहां जिले में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। मधुसूदनगढ़, राधोगढ़ और चाचोड़ा तहसील में ओलावृष्टि हुई। सावतखेड़ी में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद हुई है। ओलावृष्टि से चने की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। एक बीघा चने की फसल की लागत 15,000 से 20,000 है। इसके कारण गुना जिले के अन्नदाता फिर संकट में है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। जिले में अभी भी रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है।